दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट में ई नॉमिनेशन फिल करेंगे। पीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने के क्या लेटेस्ट प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना काफी ज्यादा इजी होता है, काफी ज्यादा कंपलसरी होता है। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो आपको भी अपने पीएफ अकाउंट में ई नॉमिनेशन आपको कंप्लीट करना होगा। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप खुद से ऑनलाइन तरीका से अपना पीएफ अकाउंट ई नॉमिनेशन किस प्रकार से फिल करेंगे, इसके क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आप अपना फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर को ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नजर आता हो सर्च बार, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टैप करना है योन लॉगिन, देन आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पर पहले ही वेबसाइट नजर आता होगा एम्प्लॉय प्रोवाइड फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको पहला वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे पहला वेबसाइट पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे जनरली आपके पास एक अलर्ट शो हो जाता है। इस अलर्ट को ऊपर से आपको क्रॉस करना है या फिर नीचे देखिए ओके का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। उसके लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है वो आपको पहला कॉलम आपको फिलअप करना है। देन जो भी आप अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे वो दूसरा कॉलम आपको फिलअप करना है। बाय चांस अगर आपको यूएन का पासवर्ड याद नहीं है, भूल चुके हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड वाला सेक्शन में जाकर के आप एक नया पासवर्ड बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए आपके पास एक कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे मैं देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट देख सकते हैं। जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन नीचे देखिए आपके पास एक कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ पे जनरली आपके पास एक अलर्ट शो हो जाता है, इस अलर्ट को यहाँ से आपको क्रॉस करना है या तो फिर आपको लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पर नजर आ जाता है। चलिए अब यहाँ पे आपको ई नॉमिनेशन फिल करना है, तो वो किस प्रकार से करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको स्टूडेंट बताने वाला हूँ। उससे पहले एक बार आपको चेकआउट कर लेना है कि आपके पीएफ अकाउंट में जो भी आपका प्रोफाइल फोटो है, जो भी आपका मेरिटल स्टेटस है, क्या वो अपडेट है या नहीं। अपडेट होगा तभी आप यहाँ पे ई नॉमिनेशन आप कर सकते हैं। तो चेकआउट करने के लिए ऊपर में देखिए एक ऑप्शन नजर आता होगा व्यू, तो आपको व्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल वाला सेक्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अगर आपके पीएफ अकाउंट में फोटो अपडेट होगा तो यहाँ पे फोटो शो हो जाएगा, अपडेट नहीं होगा तो सबसे पहले फोटो अपडेट कर लीजिएगा तभी आपका ई नॉमिनेशन फिल हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका मैरिटल स्टेटस होता है उसे भी आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी डिटेल है उसे सब कुछ आपको सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद ही आप ई नॉमिनी को आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब नॉमिनी को किस प्रकार से ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए ऊपर में देखिए नजर आता हूँ मैनेज, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर नजर आता हूँ ई नॉमिनेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नजर आता हैव ए फैमिली, अगर आपके फैमिली मेंबर कहीं रिलेटिव को आप अपना नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं फिर आपको इस पर क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आपके फैमिली मेंबर में नहीं है वो सदस्य, उनको नॉमिनेट करना चाहते हैं तो फिर आपको नो पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं एस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी ऐड करने का जो सेक्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब जिस भी व्यक्ति को नॉमिनी अब ऐड करना चाहते हैं उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। सबसे पहले मैं आपको डिटेल किस प्रकार से फिलअप करना है वो समझा देता हूँ। सबसे पहले जिस भी व्यक्ति को नॉमिनी ऐड कर रहे हैं उसका जो आधार कार्ड नंबर है वो नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन जो भी उनका नाम है, उनके आधार कार्ड पर नेम है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है, जो भी उनके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर वाला सेक्शन में आकर के जो भी उनका जेंडर होगा वो जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे रिलेशनशिप में आकर के जो भी आपके साथ उनका रिलेशनशिप होगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अगर वाइफ होंगे तो वाइफ को सिलेक्ट करना है, सन होगा सन को सिलेक्ट करना है, डॉटर होंगे तो डॉटर को सिलेक्ट करना है, डिपेंडेंट फादर, डिपेंडेंट मदर या फिर डिसेड सन्स विंडो होंगे या तो फिर सन्स ऑफ सन्स होंगे, सन्स ऑफ डॉटर होंगे तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको फिलअप करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर जो भी आपका एड्रेस है दोनों एड्रेस सेम हो आपका, उनका दोनों का एड्रेस सेम होगा तो सेम एज मेंबर पर आपको क्लिक करना है। अदरवाइज सेम नहीं होगा तो फिर मैनुअली तरीका से जो भी उनके आधार कार्ड पर एड्रेस है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो मेरे केस में दोनों का एड्रेस सेम ही है तो यहाँ पे मैं इस बॉक्स में टिक मार देता हूँ। जैसे इस बॉक्स में टिक मारेगा उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट आपका जो भी एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फेस कर लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला जो ऑप्शन आता है फोटो अपलोड करने का, तो आप जिस भी व्यक्ति को नॉमिनी ऐड कर रहे हैं उनका फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसके लिए क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करके आपके पास जो भी उनका फोटो है उस फोटो को यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद
नीचे आइए, यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक मारने कंसेंट देना है, देन आपको नीचे आना है। यहाँ पे मैंने एक व्यक्ति को ही नॉमिनेट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे एक व्यक्ति का डिटेल मैंने फिलअप किया हूँ, ठीक है। अगर आप दो व्यक्ति का डिटेल फिलअप करना चाहते हैं तो फिर एड रो पर क्लिक करके दो व्यक्ति का डिटेल फिलअप कर सकते हैं। तीन व्यक्ति को अगर आप एड करना चाहते हैं नॉमिनेट, तो फिर यहाँ पे तीन व्यक्ति को डिटेल फिलअप कर सकते हैं, उसके लिए एड रो पर क्लिक करते जाना, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मैं एक ही व्यक्ति को नॉमिनेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिटेल फिलअप किया हूँ, देन आपको सेव फैमिली डिटेल पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा फैमिली डिटेल सेव सक्सेसफुल, तो फाइनली आपका जो फैमिली डिटेल था वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको नीचे आना है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए अगर आपको दो व्यक्ति को जोड़ना होगा तो एड ड्रॉप पे क्लिक करके सेम प्रोसेस से आपको उसका भी डिटेल आपको सेव कर लेना है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे मैंने एक व्यक्ति को एड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए जिस व्यक्ति को मैंने एड किया हूँ यहाँ पे शो गया है। अब इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, यहाँ पे आपको परसेंटेज देना है। यहाँ पे मैं एक ही व्यक्ति को एड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा 100% यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दो व्यक्ति को एड करते होंगे तो आप अपना अनुसार परसेंटेज यहाँ पे डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता हूँ सेव ईपीएफ नॉमिनेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी आपका नॉमिनेशन था वो यहाँ से सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको इसे कंफर्म करने के लिए ई साइन आपको करना होता है। जैसे कि सबसे पहले नॉमिनेशन एंट्री टाइम आज का डेट यहाँ पर नजर आता होगा, व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे व्यू पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जनरली आपके पास एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिस व्यक्ति को आप नॉमिनी में एड कर रहे हैं उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल वगैरह यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो एडिट पर क्लिक करके आप इसे एडिट कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो डिलीट पर क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे एडिट और डिलीट कुछ भी नहीं करना है, आपको ई साइन कंप्लीट करना होगा तभी आपका नॉमिनेशन हो पाएगा। उसके लिए यहीं पे देखिए जरा आता होगा ई साइन, तो आपको ई साइन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ई साइन पेज खुलकर आ जाएगा, जहां पे जो भी आपका आधार नंबर होता है उस नंबर को आपको डाल देना है, देन आपको सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका ई साइन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका ई साइन सक्सेसफुली हो जाता है उसके बाद आपको ऑटो इस पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा, नीचे आएगा तो जो भी अभी आपने ई साइन कंप्लीट किया है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि स्टेटस में देख सकते हैं नजर आता होगा नॉमिनेशन सक्सेसफुल। उसके बाद जो भी आपको नॉमिनी को ऐड किए हैं उसका डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल जनरेट हुआ, इस पीडीएफ फाइल क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं या फिर इस पीडीएफ फाइल को सेव करके रख सकते हैं। तो कुछ इसी प्रोसेस के माध्यम से आप खुद से ऑनलाइन तरीका से आप अपना पीएफ अकाउंट नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करके मैंने आपको बता दिया हूं। आशा करता हूं वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ई नॉमिनेशन फिल करते समय किसी प्रकार से प्रॉब्लम आता होगा या फिर कोई भी दिक्कत होगा तो डायरेक्ट कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।